नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। शहीद सम्मान समारोह में पिथौरागढ़ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को चेताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में शांति को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन हमने उन्हें साफ संदेश दिया है कि हम पलटवार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में चार धाम है और अगर सैन्य धाम बना तो ये पांचवा धाम होगा। इस धाम में शहीदों के घरों की मिट्टी होगी। सैन्य धाम में शहीदों और उनके गांव के नाम भी लिखे जाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरह धामी भी अच्छे फिनिशर हैं। मैं समझता हूं कि भारत के हर नागरिक का यह जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे शहीद हैं, शहीद हुए हैं, उन शहीदों के परिवारों के प्रति एक सच्चा, एक सम्मान का भाव उनके अंदर होना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोग सरकार में आने की लड़ाई लड़ रहे थे, माने लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं थी, ये चुनावी लड़ाई थी, 2014 उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और आज के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। हरियाणा में पहली सैनिकों की सार्वजनिक सभा हुई थी और हमारे सारे सम्मानित पूर्व सैनिकों ने आवाज उठाई थी कि वन रैंक वन पेंशन की बात 40 वर्षों से चल रही है, या तो इसकी चर्चा ही बंद हो जानी चाहिए, और चर्चा यदि हो रही है तो हमारे ये तो सैनिकों को दिया जाना चाहिए। उसी समय आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि नहीं, हम सरकार बनने के बाद पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन की सुविधा देंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि सरकार बनने के बाद देर नहीं लगी, 40 वर्षों की जो समस्या थी उसको चुटकी बजाकर हमारे प्रधानमंत्री ने उसका समाधान निकाल दिया। आगे भी उसमें और कुछ भी होना है, कुछ विलंब हो रहा है 1-2 साल का, रिवीजन वगैरह की भी बात चलती है, उसका भी समाधान निकलेगा। मैं जब रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था या जब से करना प्रारंभ किया, तो बीच में यह भी बात आई थी कि साहब 2006 से पहले के जो नायब सूबेदार हैं उनको रिवाइज पेंशन का लाभ नहीं मिलता। ये सारे नायब सूबेदार जो 2006 के पहले के हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जुल्म है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में मौजूद करतारपुर गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान सिद्धू ने एक बार फिर से अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाया है। दरअसल सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। सिद्धू के इस बयान पर अब बवाल हो गया है। दरअसल बीजेपी ने भी सिद्धू के बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि सिद्धू पाकिस्तान जाएं और पाक का गुणगान न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें, आज नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे थे, जहां पर गुरुद्वारे के उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद ही सिद्धू की तरफ से ये बयान दिया गया। सिद्धू ने कहा कि इमरान खान मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जिसके बाद भारत में इस बयान को लेकर बवाल जो है वो काफी मचा हुआ है। आपको बता दें, सिद्धू के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। बंधुगण, वही हुआ जिसका डर था। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष, पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के लिए महिमामंडन ना करें, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। वही हुआ। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने ये सुना है। स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। बार बार हमने डिस्कशंस के माध्यम से देखा है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बताया है और हम भी जानते हैं, पंजाब एक सेंसिटिव राज्य है, बॉर्डर स्टेट है। घुसपैठ की कोशिश वहां जम्मू कश्मीर में, ऐसे राज्यों में
सदैव जारी रहती है पाकिस्तान की, किस प्रकार पाकिस्तान उपद्रव कर सके इसकी कोशिश में पाकिस्तान रहता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, जो जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनका अपना एक महत्व होता है। सीतापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का विधायक और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम छोर पर है, 5 जिलों में मेट्रो ट्रेन चल रही है, योगी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, आने वाले समय में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत तो किया, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अब भी पूरी तरह से सियासत जोरों पर चल रही है, वार पलटवार जो है लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम छोर पर है, 5 जिलों में मेट्रो ट्रेन चल रही है और योगी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। 5-5 एक्सप्रेसवे हमारे निर्माण के अंतिम छोर पर हैं, 5-5, 6-6 जिलों में मेट्रो चल रही है, विकास की अवधारणा पूरे प्रदेश में जो विकास की गंगा है वो श्री योगी जी के नेतृत्व में बह रही है, और आज आने वाले चुनावों में विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है विकास, और अन्य लोगों का जो मुद्दा है, कोई आज परिवारवाद पे, कोई क्षेत्रवाद पे, कोई संप्रदायवाद पे, कोई जातिवाद पे, इन आधार पर चुनाव को बदलने की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश और बदला हुआ भारत है, जहाँ पर मोदी जी और योगी जी का सबसे अच्छा समन्वय कहीं देखने में आया है तो उत्तर प्रदेश में आया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व को जवाब देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरे भार ब्लॉक के अरवलगिरी स्थित एयर स्ट्रिप पर पहुंचे, जहां पर अखिलेश यादव ने अपने 10 मिनट के संबोधन में बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि ये लोग जो कल आए थे, उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। अगर किसी ने जनता के लिए, शहरों को जोड़ने के लिए, गाँव को जोड़ने के लिए सपना देखा था, आज वो सपना पूरा किया जा रहा है। ये मिराज, सुख कोई और हरकुलिस हवाई जहाज उतरे हैं, क्या ये पहली बार उतरे हैं? ये बीजेपी के लोग समाजवादी से 5 साल पीछे हैं। तो एक्सप्रेसवे को लेकर अभी भी बता दें आपको, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन किया गया था, तब से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर बीजेपी को लगातार घेरा जा रहा है। अगर किसी ने जनता के लिए और शहरों को जोड़ने के लिए, गांव को जोड़ने के लिए, अगर किसी ने एक्सप्रेसवे का सपना देखा था, तो वो समाजवादी पार्टी है, जिसने सपना देख करके आज वो सपना पूरा हो रहा है। ये जो हवाई जहाज उतरे हैं लड़ाकू विमान, क्या ये पहली बार उतरे हैं? जो आपने देखा यहाँ पर मिराज और सुखोई, हरसुरेश, जो हवाई जहाज उतरे का पहली बार उतरे हैं, ये
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से 5 साल पीछे हैं। बताओ 5 साल पीछे हैं कि नहीं है? जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है, समाजवादी का काम कर रही है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पीलीभीत में 21 नवंबर और 22 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वहीं दौरे के पहले दिन सांसद वरुण गांधी बरखेड़ा ब्लॉक के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही मृतक छात्रा के गांव में पहुंचकर परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें 22 नवम्बर को सांसद वरुण गांधी बिसलपुर तहसील के करीब 1.5 दर्जन गाँव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंच रहे हैं वरुण गांधी, जहां पर जनता को संबोधित करेंगे और तमाम कार्यक्रमों में वो हिस्सा भी लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पहुंचकर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, पुलिस आयुक्त आलोक सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस वे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण अरुण वीर सिंह और जिले के सभी अधिकारियों के साथ 25 नवम्बर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेवर में आयोजित एयरपोर्ट के कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। वहीं इस बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। प्रभारी मंत्री के रूप में मैं आज यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सहित कमिश्नर पुलिस और माननीय विधायक जी के साथ मिलकर हम लोग ने 25 तारीख के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जायजा दिया है। उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या आगे बढ़ाने हैं, कितनी भीड़ आएगी, कितने बसें लगेंगे, सारी व्यवस्था और मंच पर कैसे कैसे सीटिंग होगा, जो प्रधानमंत्री के क्या बोलते हैं सुरक्षाकर्मी के माध्यम से आधार पर जो भी पूरी तैयारी है उसको देखने हम लोग आए थे, वही आज जा रहे हैं हम लोग साइट पर देखने के लिए, साइट से फिर वापस। सांसद हाजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों विवादित कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा को किसानों की जीत बताते हुए कहा, जो काला कानून मोदी सरकार ने पिछले साल बनाया था उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर आ गए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने सर्दी और गर्मी की परवाह नहीं की, उसी का ये नतीजा है कि आज मोदी सरकार मजबूर हो गई और कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिया है। देखिए हिमाचल और ये जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव के नतीजों ने तेल के दाम कम कराए और मोदी जी के जनता द्वारा विफल किए गए दौरों ने किसान बिल को वापस करा दिया। 600 किसान की शहादत हुई है, इन 600 किसानों की शहादत का जिम्मेदार मोदी सरकार है और मोदी साहब ने जिस तरह से किसान बिल वापस लिए हैं उसी तरह से शहीद किसानों को मुआवजा देने का काम भी सरकार करे। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। बेमौसम बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में तबाही मची हुई है। भारी बारिश की वजह से अनंतपुर जिले के कादरी कस्बे में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस इमारत के गिरने से 3 बच्चों और एक वृद्ध महिला समेत 4 की मौत हो गई है। आपको बता दें मकान गिरने की घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। इमारत के मलबे में अभी 4 लोगों के फंसे होने की आशंका है और इस बात की जानकारी अंचल निरीक्षक सत्य बाबू ने दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को रायसीमा के 3 जिलों और एक दक्षिणी तटीय जिले में 20 सेंटीमीटर तक की भारी बारिश होने से भयंकर तबाही मची थी। बारिश की वजह से घटित घटनाओं से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कड्डपा जिले में अभी भी 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। जबकि आपको बता दें वायुसेना, SDRF और अग्निशमन विभाग के कर्मियों की ओर से राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। ऐसे में राज्य में भारी बारिश की वजह से बने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बातचीत की और स्थिति के बारे में जानकारी ली। बातचीत के दौरान PM मोदी ने राज्य को सभी सहायता पहुंचाने का वादा किया और साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई कि CM आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे।
बलरामपुर में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के संविदा कर्मी सरकार से अपनी कई मांगों को लेकर कार्यों का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। बिजली विभाग के संविदा कर्मियों का कहना है कि हम 11,000 से लेकर 33,000 वोल्टेज बिजली सप्लाई होने वाली लाइनों पर जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, जिसकी वजह से हर साल हमारे सैकड़ों साथी हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही और इसके अलावा हम लोगों को 7 से 9 हजार रुपए मात्र वेतन के रूप में दिया जाता है, जिससे परिवार का भरण पोषण न होने की वजह से सभी बिजली संविदा कर्मी आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं। सर, हम लोग पिछले 7 सितंबर से इको गार्डन लखनऊ में आंदोलनरत हैं और ये निरंतर कार्यक्रम चलता रहा है। ये क्रमिक अनशन के रूप में हम लोग अभी तक आंदोलनरत थे, लेकिन 15 नवंबर से शक्ति भवन पर हम लोगों का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ और 16 और 17 नवंबर को हम लोगों ने सार्वजनिक शैक्षिक अवकाश के लिए नोटिस दी थी और 18 नवंबर से कार्य बहिष्कार हमारा पूर्ण कार्य बहिष्कार चल रहा है। तो अब आगे की आपकी रणनीति क्या है? प्रबंधन और सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक हम लोग अपना कार्य जारी रखेंगे। १९७० में बांग्लादेश का विभाजन होने पर पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे हिंदू बांग्लादेशियों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने उन बांग्लादेशियों को भारत लाकर उन्हें अलग अलग हिस्सों में बसाया था और कुछ बांग्लादेशियों को मिल में नौकरी तो कुछ को जमीन दी गई थी, जिससे ये अपना जीवन जो है वो चला सके। तब से लेकर अब तक ये लोगों को पहचान न मिल पाने को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से इनका चेहरा खिल उठा है और जो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी अब पहचान मिलने के बाद उसका लाभ इन लोगों को साफ तौर पर मिल रहा है। आपको बता दें मेरठ से 63 बांग्लादेशी परिवार को भी अब कानपुर देहात में बसा दिया जाएगा, जिससे इनकी संख्या बढ़ेगी और ये सभी एक साथ रहने लगेंगे। भैया, हम लोग तो यहीं के रहने वाले, बहुत 70 साल हो गए, हमारा कोई जात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को लड़के बच्चे को पढ़ाने में स्कूल में बड़ा दिक्कत होता है, कोई सुविधा नहीं है सरकार का, हमारा रोड नहीं बनता है, घर कॉलोनी वगैरह ये भी नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो सब इधर उधर से सब चला जाता है, हमारे पास तक पूरा नहीं पहुँच पाता है। हम बांग्लादेश से मतलब यहीं पे आके पुनर्वासन मिला है सरकार से, लेकिन हमें जाति और कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिलता है, तो जिससे हमें सुविधा मिले तो ये हमारा जाति वाति से लेकर हर रास्ता घाट से सब हमको यहाँ सुविधा नहीं है, तो ये सुविधा हमें दिया जाए। आप कहाँ रहते हैं? हम पहाड़ीपुर में, अभी पहाड़ीपुर इंदिरा नगर रसूलाबाद में रहते हैं, कानपुर देहात में। मथुरा कासगंज रेलवे लाइन पर टहलने निकले दो युवक मोबाइल में पबजी खेलते समय ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसके चलते दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं रेलवे ट्रैक पर शत विशत हालत में शव को पड़ा देख राहगीरों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ ही घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरठ में बवाना थाना क्षेत्र में एक दर्जन दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस फायरिंग में दो युवक गोली लगने से बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि बदमाश 3 बाइकों पर सवार होकर आए थे। वहीं ये सारी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और ऐसे में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं ये इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। ताबड़तोड़ फायरिंग बदमाशों की तरफ से की गई।
शामली के गांव चुनसा में पत्नी और ससुराल पक्ष की तरफ से किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न के चलते शादी के 5 दिन बाद ही एक युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और वो 2 बहनों का इकलौता भाई था। युवक की मौत से बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि मृतक की बहन ने भाई की पत्नी सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला यह है, इस लड़के की शादी 14 तारीख में हुई थी और इससे जो इसकी घरवाली है उससे उनका उसे मतलब पहली कहीं बात हो रही थी उसकी शादी की, तो उसने ये कहा कि ना मेरी तो कहीं और शादी है, उस वजह से उसे लड़के को जो है माइंडली टॉर्चर करा, तो इस वजह से इसने जहर खा। अच्छा, क्या लगता था आपके? ये मेरा साला है। क्या नाम था इनका? फरियास मलिक। मैं ये पता चला भाई, अब इसके ससुराल पक्ष वाले आए थे सब भोगलेन कल, उसकी बहन और उसका भाई दुल्हन जो थी उसने कुछ इसकी दूल्हे की शिकायत करी, अगर मेरा तो कहीं और रिश्ता हो रहा था, मैं तेरी गैल नहीं जा रही थी, तो इसके साथ मारपीट करके गए मैं और सर लड़की को ले गए। रात को उसके भाई ने ऐसा फ़ोन करा, फ़ोन पर लड़की तेरा जल्लूस काट देंगे, तेरा जेल भिजवाऊंगे। उस टाइम माँ बाप इसका थे नहीं आना था, इसने तंग होकर उससे उनके उससे हथियार सर को फ़ोन कर दिया। रात को कहने लगा भाई मैं जाए तड़की हुई देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों की बैठक हुई जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं किसानों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ किसानों ने कहा आप भी सुनिए। कल से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में एक हलचल है, जीत की और एक हलचल है अब आगे क्या होगा, ये तमाम चीजें हैं। इसके लिए हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम किसान मौजूद हैं, इनका परिचय जानते हुए इनसे बात करते हैं। जी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम कपिल काटियान, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट शामली। अच्छा कपिल जी, आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग होनी थी, वो कैंसिल हो गई है, तो क्या लगता है आपको किस वजह से कैंसिल हुई है? कैंसिल क्योंकि बहुत जत्थेबंदियां हैं, बहुत राज्यों का ये आंदोलन है, तो सब पहले अपनी रणनीति बढ़ा रहे होंगे, वो कल हो जाएगी, कुछ में तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा क्या लगता है अब आपको, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश आपसे माफ़ी मांगी और कहा कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए हैं, और आपका कहना है कि लगभग 700 किसानों की शहादत हो चुकी है, तो क्या कुछ किसान ही हैं जो नहीं समझ पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये समझाते तो बिल लाने से पहले समझाते, हम ये बिल ला रहे इसमें ये हैं पॉइंट, तो उसमें अगर एक जो भी कमेटी होती उनसे पास कराते उन्हें, तो हम मानते कि वे समझा पाए। उन्होंने तो वे अध्यादेश द्वारा लाए थे, कोरोना काल में लाए थे, एक रात को कोई आके घर में घुस जा तो उसे चोर कहते हैं, तो वे चोरी से लाए गए बिल थे, कोई वे पारदर्शी बिल नहीं थे। और जब उन्हें पता लगता रहा उसकी खामी पता लगती रही किसानों को, तो किसानों में आक्रोश आया। वो एक किसान नहीं है, वे पराजित लोग थे जो उनके समर्थन में बोल रहे थे, आम किसान कभी उनके समर्थन में नहीं बोल रहा कि ये बिल ठीक है। मुद्दे बहुत हैं और जो हल हुए हैं वो नामात्र हुए हैं, अभी उनका जो एक लिखित रिकॉर्ड होता है जो अध्यादेश है वो नहीं आया है, और ऐसे में अब कल संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग है और उसमें देश के अलग अलग किसान जुड़ेंगे अपने जत्थों के साथ, तो वहाँ से फैसला होगा कि अब किसान आंदोलन का जो अगला रुख होगा वो क्या होना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।